क्या रंगत आ रही है, किस तरह से मसाला भी तो डला ही है और खिलना भी शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉय योर मील। प्लीज खाइए इसको। ना कोई कश्मीरी मिर्च डाली है हमने, ना हमने इसमें कुछ वो डाला है, सिर्फ मिर्ची है और मिर्ची का कलर कितना खूबसूरत आया। बोलो तड़का डालेंगे हम। पूरा देसी घी का चोक लगा के मटर नली निहारी तैयार। यो 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 व्हाट्स अप पीपल। हाँ जी, यू नो आई एम इन जयपुर एंड कैन आई से दिस, जयपुर I think one of the cities that I sincerely love is only because यहाँ पे मटन की इज्जत ना बहुत की जाती है and the food's tasty. आज मैं हूँ जस्ट किचन में। Now I know मैंने यहाँ पे बहुत videos बनाए हैं, but can I say this? Doesn't really mean that I have to go to new places all the time and discover food when you know at the same place that I made before, वहाँ पे कोई नई चीज़ है and that's actually a must try. आज हमारे लिए जस्ट बनाएंगे मटन नली निहारी फ्रॉम स्क्रैच। When I say scratch, it really means कि जब मैं आया था ना, he was preparing a सीगड़ी जहाँ पे कोयले वोले डाल के पूरी वो देख लगाते हैं, जैसे लगन भी कहा जाता है यहाँ पे। He's become such a professional just that मेरे आने से पहले ना he put up all this spread of ingredients एक बड़ी थाल में, जहाँ पे हर रंग का ना मुझे ingredient दिख रहा था। Just who's going to make us नली निहारी, we'll do it from beginning and देखना रेसिपी को, समझना एंड सोचो क्या स्वाद मिलता है, that this place is going viral in Jaipur. वीडियो के अंत तक बन रहे ना, बादशाह गप्पे शप्पे प्यार बहुत सारा, एक सच्चा रिव्यू और जस के चुटकुले, वीडियो के अंत तक बन रहे ना। गाइस हम फर्स्ट फ्लोर में, ये जगह की लुक एंड फील है, पीपल आर एंजॉयिंग द फूड ऑब्वियसली एंड मीट माय काउबॉय फ्रेंड जस। हाउ आर यू जस भाई? थैंक यू सो मच, लुकिंग वेरी फाइन, अच्छा लग रहा है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। कितना बढ़िया लगता है ना आते हो जयपुर के अंदर, मेरा मन खुश हो जाता है। आई वाज टेलिंग इन माय इंट्रो कि हम कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। हां, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड बडीज नाउ, बियर बडीज। शाम वाला काम फ्रेंड्स, बिल्कुल बियर बडीज। अच्छा गाइस ये देख लो, All the ingredients laid out, like I said, just knows his work now. तो ये सब कुछ सजा रखा है यहाँ पे, and look at the way the food's been presented. आज हम क्या बना रहे हैं जस? आज हम बना रहे हैं नली निहारी। अभी तक तो हम बना रहे थे boneless निहारी, और अब time आ गया है सबको बताने का कि हम नली निहारी बनाते हैं और बहुत amazing बनाते हैं। यहाँ try करें आप, you will love it. कहाँ लड़कियों वाले हाथ तुम्हारे? गोरे-गोरे। ये सेटअप करा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है जस। सो सॉरी मैन, नहीं सॉरी क्या है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स। अरे मजाक करता है यार तो। लुक एट द क्राउड, तू तो नया कुछ कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, एक शूट चल रहा था वो कर रहा हूं। एक बात बताओ, ये कौन है? ये इनकी चेन बड़ी अच्छी लग रही है। यहां पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट एम्प्लॉई है। अच्छा, इनकी जमीन है यहां पे चंबल के पास में। अच्छा, 27 बीघा, और इन्होंने अभी 2 बीघा बेची है और इनको शौक है चेन बनने का, तो ये 2 गोल्ड की चेन खरीद के लिया है। अच्छा, सब कूल है आपके लगता नहीं है? सब कूल है। हाँ, ये 4 किलो मटन आ गया है। सो मोस्टली अपन ने बना रहे नली निहारी, तो मोस्टली नलियों पे ज़्यादा जोर दिया है इसमें। नलियाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ली है इसके अंदर हमने, ये देखिए नलियाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ले रखी है। चालू कर ले अब नलियाँ, ये देखो। अरे बाप, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, यू विल लव इट। चलो चालू करते हैं। हम आज बना रहे हैं नली निहारी, और जो मैं बाबा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि राजस्थान में तो हम बनाएंगे राजपूती निहारी। पहले जा रहा है सरसों का तेल कच्ची घाणी का, करीब 800 ग्राम में डाल रहा हूँ, मेरा जो मेजरमेंट है 4 किलो मटन के अंदर 800 ग्राम सरसों का तेल। ये पड़ा है तेल, कुछ गरम मसाले में ले लेता हूँ अभी। दालचीनी बहुत रिक्वायर्ड है, जावित्री बहुत रिक्वायर्ड है, लौंग ले लिए हमने, काली मिर्च बहुत ज़रूरी है, सौंफ के बिना तो मज़ा आएगा नहीं बॉस, टू बी ऑनेस्ट, सौंफ बहुत ज़रूरी है। एक जायफल ले लेते हैं, और बड़ी इलायची ले लेते हैं, थोड़ा सा धनिया ले लेते हैं, और इन सबको आप फोड़ लेते हैं। यहाँ फोड़ूंगा तो टेबल फूट जाएगी, तो इसको थोड़ा सा साइड में फोड़वा लेते हैं, थोड़ा सा इसको दरदरा कर लेते हैं। ये लो जी, कर लो फटाफट इसको। हाँ जी, हो गया जी, कुट गया दादा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखो पूरा मसाला मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास कर दिया है, सब मिक्स हो गया है, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये तेज पत्ता डाल दिया मैंने, गर्म मसाला आपका, मसाला डाल दिया, और ये जल नहीं जाए इसलिए मैंने फटाफट ये ले लिया। ये 800 ग्राम प्याज मैंने ले लिया है, और अब इस प्याज को बढ़िया तरीके से हम फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ में। हाँ, फ्लेवर ये देखो। अच्छा, इस नहरी की जो बना रहा हूँ मैं, इसकी जो खास बात यह है, इसका एक फ्लेवर बहुत डिफरेंट फ्लेवर है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लेवर तो है ही डिफरेंट, बट एक एडिक्शन भी है। आप खाओगे बता देना मुझे, अगर एडिक्शन नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ का। थोड़ा नमक डालता हूँ उसमें, थोड़ा प्याज जल्दी हो जाएंगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि हीट बहुत अच्छी है, सिकड़ी की हीट है, बहुत जल्दी इसमें प्याज ब्राउन हो जाएंगे। और ये मैंने जो वो जो ये यूटेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो ये बर्तन में यूज़ कर रहा हूँ, ये कॉपर का है 100%, और सबसे खास बात है कि खुले में खाना पकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इज़ अमेजिंग, जो चाहिए होता है बेसिकली खाने के अंदर, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बैलेंस हीट होती है, और
इंटरेस्टिंग पार्ट वो है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वहाँ पे खाने में इन्फ्यूज होते हैं, विच इज़ वेरी गुड हेल्दी फॉर यू। आज इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करने अपने को, जैसे कि हम अक्सर कर लेते हैं लाल मिर्च कोरमे में, लाइट पिंक रखने इसके अंदर ना, गोल्डन ब्राउन नहीं, पिंक करने मेरे को इसके अंदर प्याज। और ये मीट डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, ये नलियाँ बहुत ज़रूरी है भैया, इन नलियों में आप देख लीजिए सिस्टम पूरा सेट कर रखा है आज, क्योंकि नली नहीं आ रही है। अच्छा हुआ क्या, मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आए और दे लव्ड माय बोनलेस नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक है, वो फ्यूजन है मैंने क्रिएट किया था, पीपल लव्ड इट सो मच। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हमें विद बोन खानी है जो बाज़ार में मिलती है, सब जगह मिलती है, तो मैंने कहा ठीक है हम आपको वो भी बहुत बेहतरीन खिलाएँगे। ये लेगा 15 मिनट और सर भाई, 15 से 20 मिनट लेगा, मैं अपने 15 मिनट में कर देंगे कंप्लीट। किसी भी सॉफ्ट चाहिए You know, just explain people because you're experienced. और ये लोगों की help के लिए है, how to buy mutton and what to look at when you buy mutton. क्या होनी चाहिए feature? Because आप daily खरीदते हो, एक छोटी राय दे दो लोगों को कि मटन खरीद रहे किस चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहले मटन जब खरीद रहे हैं हम, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मटन बिल्कुल भी फैट फ्री नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग देखते हैं कि भैया इसमें चर्बी है, suggestion number one, fat free ना हो। फैट फ्री ना हो, फैट बहुत जरूरी है, अगर फैट है तो ही वो मटन है, तो ही वो ही गोटेड, तो ही वो बकरा है, अदरवाइज मैं ये मानता हूँ कि वो किसी काम का नहीं है। एंड एडवाइस नंबर टू, जो रेडनेस थोड़ी कम होनी चाहिए मटन के अंदर, पिंकिश ज़्यादा होना चाहिए, ये एक यंग एक अच्छे हेल्दी बकरे की एक हेल्दी गेट कोट की पहचान है कि ज़्यादा उसमें रेडनेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड लुक लिटिल बिट पिंक टू यू। प्याज भी घुलने लग गया है और खुशबू तो आ ही रही होगी मेरे ख्याल से आपको, मुझे तो बहुत जोरदार आ रही है। जस आपने ना मेरा ना काम आपने ले लिया, अब ना मुझे व्लॉगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप ही सारी बातें करो, मजा आ रहा है सीरियसली। और ये थोड़ा सा ना इसमें गरम मसाला अभी डालता हूँ, तो इसमें क्या है जो इन्फ्यूज हो जाएगी खुशबू मटन के अंदर, ये क्या भाई प्रोसेस है, ज़्यादा नहीं करके कम कम डाल के हल्के हल्का उसको इन्फ्यूज़ करना है। ये देखो अब ये खुशबू आपको हमेशा आएगी, जब बन जाएगा खाना उसके बाद भी आपको ये खुशबू आती रहेगी इसके अंदर से, हर एक पीस में से। हल्दी डाल रहा हूँ, अच्छी क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, देखो आप हल्दी का भी एक अपना टेस्ट है। हाँ ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है मानते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये भी मानते हैं, बट खुशबू और कलर A1, मतलब बोल नहीं सकता मैं कितना कमाल दिखाती है। गाइस रेगुलर कस्टमर्स हैविंग फूड, मैंने कंसेंट ले लिया रिव्यू लेने से पहले। सर आपने खाना खा लिया? मे आई आस्क फॉर योर रिव्यू? जेन्युइन इंग्लिश? ओह इंग्लिश, आई एम सॉरी। हाउ डिड यू फाइंड द फूड? या इट्स वेरी गुड। इट इज? मे आई आस्क व्हाट डिड यू गाइस ऑर्डर? वी ऑर्डर्ड Nihari? Nihari I could figure out. Chicken biryani. Achha? And it is and delicious and they really like the food. They are not from India, they are from outside India. What's your take on the food? Really Indian spices, are they suiting you well? Yeah, it's suiting. Spice is good. So good? Yeah, it's good. Good stuff. I'd let you guys be and enjoy yourself. Did you enjoy the food, sir? Yeah? Chalo, have fun. Thank you for your time, sir. Thank you. Really enjoyed it. All right. Kamal ho raha hai, tomato dal raha hu, wo bhi salad wale. Yehi hai pyar. Yehi style hai. ये देखिए कितना तरीके से इसको, इतना ब्यूटीफुल लगेगा ये। रात खाना मटन नली निहारी, खूबसूरत लग रहा है ये बाय शेफ जस। और इसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर लहसुन। लहसुन जाएगा? बढ़िया क्वांटिटी में डाल रहा हूँ लहसुन, ऐसे कंजूसी नहीं करनी लहसुन के अंदर, बढ़िया क्वांटिटी, क्योंकि लहसुन ही कमाल करेगा इसमें। लहसुन के बाद में मैंने धनिया डाल दिया है, अब इन सबको एक साथ भूनना है, यही कमाल है, यही रंगत है, ये भरपूर, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी तरह से, कम ज्यादा कुछ नहीं, सब तरीके से बढ़िया फर्स्ट क्लास। लाल मिर्ची कौन सी है? और लाल मिर्ची है बिल्कुल देसी मिर्ची, कोई कश्मीरी कोई रंग डालने का काम ही नहीं है इसके अंदर। और दही भी हम अभी डाल रहे हैं टमाटर के साथ के अंदर ही। सौंफ, डाइजेशन बहुत ज़रूरी है ना, और थिकनेस के लिए है, क्योंकि ये हम लोग इंस्टेंट बनाएंगे, 4 घंटे लगेंगे इसको बनाने के अंदर। तो ये चने का पाउडर है, भुने हुए चनों का, जो चने हम खाते हैं उन भुने हुए चनों का पाउडर है, अभी फ़िलहाल ही इसको हम भुनेंगे। ये देखिए मैंने मौन व्रत रख लिया इस वीडियो में, ब्यूटीफुल बोलता रहूं, आप बोलना बस। अरे मजाक कर रहा हूं यार, आई एम वेरी हैप्पी जस, मैं चुपचाप बना रहा हूं। अरे आप बोल रहे हो, पर अच्छी बात है कि जस आई एम हैप्पी द एक्सप्लेनेशन दैट यू गिविंग, बिकॉज़ पीपल रियली नीड गाइडेंस इन अ वे दैट अच्छा खाना किसको पसंद नहीं है, हैं? तो फिर इसी बात पे सुनो कि कर दूं आज अपने इश्क का इजहार, कर दूं आज अपने इश्क का इजहार, आज ये ख्वाहिश जागी है, दिल चीर के देख लेना मेरा ये सनम, निहारी के बाद तेरी ही तस्वीर लगी है। ओए होए होए, अच्छा जी। यही प्यार है, यही प्रेम है,
वही डालता हूँ इसमें। आप बोलोगे क्या डालता है, सब ऐसे बनाते हैं, मैं प्रेम डालता हूँ खाली। ये पिसा हुआ गर्म मसाला भी थोड़ा डालते हैं, गर्म मसाले का थोड़ा सा अपने इसमें हल्का सा हाई अपर एंड रहेगा गर्म मसाले का, क्योंकि निहरी है, खुशबू प्रॉपर आनी चाहिए, गर्म मसाले के बिना बात बनेगी नहीं। क्या रंगत आ रही है, किस तरह से मसाला भी तो डला ही है और खिलना भी शुरू हो गया, यही कमाल है इस बर्तन का। गाइस वैसे एक राय है, ही इज राइट, अब तक बोला नहीं, बट जेन्युइनली हैविंग अ कॉपर का लगन या देख इज मच मच रिक्वायर्ड इन मेनी किचन्स, इज ओनली बिकॉज ही इज राइट, बैलेंसली कुक होता है, लॉन्ग टर्म होता है, एंड अवॉइड एल्यूमिनियम फॉर श्योर। शो भाई ये ऑलमोस्ट बनाव हो चुका है कम्प्लीट मेरा, और मैं इसको अब ढकूंगा, दो घंटे के अंदर सिगड़ी भी पकेगा, हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे, और अब मैं इसको ढक रहा हूँ और मैं आपको अब डायरेक्ट एंड रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरह बनेगा ये, किस तरह ये खूबसूरत लगेगा। और ये मैंने इसको ढक दिया है, ये लीजिए, ओके, ये ऑलमोस्ट ये देखो आपका रेडी हो चुका है, इसका बर्तन का ढक डालते हैं हम इसको, ये लीजिए क्या बात है। आप ये देख लीजिए जो हमने किया है, ये मामला ये है, ये मामला सेट हुआ है, हल्की आंच में अच्छे से पकाई है, बिल्कुल बहुत। और अच्छा, नली खाने के साथ दिख रही है, आप देखो इसमें ना कोई कश्मीरी मिर्ची डाली है हमने, ना हमने इसमें कुछ वो डाला है, सिर्फ मिर्ची है, और मिर्ची का कलर कितना खूबसूरत आया, बोल रहे कौन सी मिर्ची है, ये देखो नलियाँ, ये देखो कितना नाइस टेंडर हो चुकी है। चलो बढ़िया, चालू करें खाना इसको, बिल्कुल बस एक बार डालते हैं, खबूस मंगाते साथ में, एक खबूस मंगाते हैं इसको, एक बार हल्का सा इसको मैं। सो गाइस अब एक ट्विस्ट है, देखना अब ये काम साइड पे हो रहा है और यहाँ पे देखो क्या होगा। अब ये सिकड़ी पे रखा, वो ये सिकड़ी पे रख दिया हमने पैन, और डाल दिया देसी घी, देसी घी करीब 70 ग्राम का हम तड़का लगाएंगे देसी घी का। और सो गाइस यहाँ देख लो, देसी घी गर्म हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है काम प्रॉपर तरीके से, निहारी वाला धनिया बहुत सारा, साथ में गया अदरक जूलियन कट, और गई बहुत सारी हरी मिर्ची जो निहारी में होनी चाहिए, पिंच ऑफ गरम मसाला, गरम मसाला ऊपर, ये देखिए 70 ग्राम देसी घी इसमें तड़का डालेंगे हम, पूरा देसी घी का चोक लगा के मटर नली निहारी तैयार, क्या बात है, ये तो कमाल है। और साथ में आ गई है इनकी खबूश, जिसका तो पूछो ही मत, कलौंजी वगैरह ऊपर डाल के, इसे तिल भी कहा जाता है, नरम नरम, वाह कमाल करते हो जा साहब, हैं थैंक यू सो मच, खाऊं मैं इसको, भूख लग रही है, शुरू हो जाओ बस साथ में खाते, मुझे भूख लग रही है, हाँ अटैक करते हैं, चलो बिल्कुल जी रेडी करो। हाँ जी फूड हियर, एंड आगे देखो इधर आ जाओ पास, ये देखो जी, सो दिस इज देयर बॉम्ब लुकिंग नली निहारी, दैट्स दिस इज जस्ट ऑन प्लेट यार, आई न्यू व्हाट ही हैड टू डू, एंड अच्छा करा काम, वेरी वेरी हम्बल मैन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैशनेट अबाउट कुकिंग। जब आपने रेसिपी देखी होगी ना बनते हुए, ही डिडंट स्टॉप टॉकिंग, इज ओनली बिकॉज ही लाइक्स इट यार, एंड व्हेन समबडी लाइक्स इट तो क्या कर सकते हैं कि नहीं। ओके खाना ट्राई करें, आ जाओ पास आओ, अच्छे से फिर से देखो एक बारी। सो दिस इज नली निहारी, जिसकी कीमत 650 रुपये है फुल प्लेट की, और 450 हाफ प्लेट की, देसी घी का चौक बाद में लगा था, इज़ वेरी रिच वेरी टेस्टी, जो मुझे पता है खा के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आ जाओ ये अजीम की खबूस, नरम नरम, ये लो बाइट दिखाऊं आपको, ये देखो ये पीस देखो, नली ऑब्वियसली थोड़ा सा अदरक साइड कर रहा हूँ, ऐसा ना बहुत सारा मुंह में आ जाए, ये लो ये, और ये इसको डिप कर रहे हैं ग्रेवी में, ये देखो देखते रहो पहले देखते रहो अच्छे से, ये ट्राई करें, ऑलराइट 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। पता नहीं इन्होंने किया क्या लाइफ में, जहाँ तक मेरी समझ है कोई HM नहीं किया, HM बोले तो होटल मैनेजमेंट, कोई ऐसी क्लासेस नहीं ली, कहाँ से सीखा, आई होप इनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ क्राफ्ट सिखाया हो, क्योंकि ऐसी निहारी बनाने के लिए और परोसने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन, दैट आई नो वेयर इज गेन्ड फ्रॉम। खबूस इटसेल्फ इज सो नरम, और निहारी पता कैसी है, इट इज डिफरेंट टू व्हाट निहारी यू वुड हैव इन दिल्ली, लेट मी पुट इट करेक्टली, बट इसका टेस्ट इज मच मच बेटर, आई डोंट वांट टू से मच, आप समझ जाओ मेरी बात का मतलब, दिल से बनी है, स्वादिष्ट है, एंड यस इट विल टेस्ट लाइक निहारी, फुल ऑन निहारी,
but a different one. I love it. Then importantly, it's cooked to perfection. मैंने वेट किया यहाँ पे लगभग 3.5-4 hours इन द टोटल मेकिंग, बट रंग लाया यार, थक गया था बट क्या बोलूँ. वंस अगेन जस्ट किचन बनी पार्क जयपुर में है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मटन मेकर्स एंड नॉट जस्ट निहारी, दिस इज वन ऑफ द डिशेज दैट आई मे जस्ट स्पीक अबाउट. इसके अलावा इनका चंगेजी, इनका जंगली मांस, इनका लाल मांस, everything is impeccable and I'm not saying because now he's become a friend. Interestingly, he is at the heart of Jaipur. Aake ek dish try kar lena, you may have an answer to yourself. Huh? Main khata hu, isko enjoy karta hu because main aur jaisa bhi isko attack karenge, puri khatam karenge, gappe shappe marenge, duniyadari ki baat karenge. Agar video pasand aaya to show Roda Facebook aur Roda Show Instagram kar lo yaar, har video mein bolta hu. Hai ki nahi hai? Chalo, bahut jald milunga. Take care. See you. Bye bye.